Hey guys, welcome back to my channel. This is Bhumika and you're watching Learn French with Bhumika. So guys, today we're gonna start with a new topic, that is conjugation of verb. Okay, this is an irregular verb. Okay, so we're gonna start with very basic verbs and then we'll go some complex verbs. Okay, so here you can see the verb is être. ओके नाउ फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इनको इरेगुलर क्यों बोलते हैं. ठीक है, हम इनको इरेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर नॉट कॉन्जुगेटेड द सेम वे द अदर मेंबर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉन्जुगेटेड. जैसे ये इसका एंडिंग क्या है, इसका एंडिंग है आर ई. ठीक है, आर ई अलग वे से कॉन्जुगेट होता है बट ये वाला जो वर्ब है ये उस वे से कॉन्जुगेट ही नहीं होता. ठीक है, सो ये क्लास सिक्स का सेकेंड चैप्टर में ये वर्ब है. ओके, सो यू कैन जस्ट चेक आउट देयर. यस, सो एत्र का मतलब क्या होता है? एत्र का मतलब होता है टू पी. ठीक है, एत्र का मतलब टू पी होता है. ओके, सो देर आर टू पार्ट्स इन इट. फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकेंड इज प्लूरल. फर्स्ट लेट्स सी द सिंगुलर पार्ट ऑफ इट. सो इट इज जस्ट वी. What is it? Just we. Okay? Which means I am. Okay? Second is QA. Okay? What is it? QA. Which means you are. Okay? Third is LA or LA. ठीक है? Which means he is. Ill का मतलब क्या होता है आपका? Ill. ठीक है? और L का मतलब क्या होता है? She. ठीक है, सो और est का मतलब यू ऑल नो इट इज. ठीक है, सो ही इज शी इज एल ए एल ए. ओके, नेक्स्ट सो लेट्स रिपीट देम वंस. जस्ट वी क्यू ए एल ए एल ए. ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्लूरल पार्ट ऑफ इट. सो प्लूरल पार्ट स्टार्ट विद नू सॉन्ग. What is it? Nous sommes. Okay, which means we are. Okay, what does it mean? We are. Okay, next is vous êtes. What is it? Vous êtes. Which means you are. Now you will say that these both are same. But they are not same guys. जो ये QA होता है. This is used to talk to the people of your age. ठीक है, ये जो आप वर्ड है ये आप अपने एज के या अपने एज से छोटे एज के लोगों के लिए यूज करते हो. ठीक है, और जहां पे ये वाला वर्ब, यहाँ पे जहां पे ये वाला वर्ड यूज होगा वो किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर अननोन एंड एल्डरली पर्सन, जिनको आप जानते नहीं हो. ओके, अननोन एंड elderly person जो आपसे बड़े. ठीक है, सो इट whose set is used for unknown and elderly person which means you are. ठीक है, now comes il son el son. It means il का मतलब masculine group of people जहां पे सब male है. ठीक है, और एल का मतलब जहां पे ऑल आर वुमेन और ऑल आर फेमिनाइन. ठीक है, सो इन मतलब आप क्या बोलोगे? यू विल से दैट दे, राइट? ये जो पूरा ग्रुप होगा, व्हाट यू विल से टू देम? यू विल से दे. एंड सॉन्ग का मतलब यू ऑल नो दैट इज आर. सो दे आर. एल सॉन्ग को भी हम क्या बोलते हैं? दे आर. ठीक है, सो लेट्स रिवाइज देम वंस. जस्ट वी क्यू ए एल ए एल ए नू सॉ वू जेट इल सॉ एल सॉ. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सॉल्व द एट क्वेश्चंस. यू विल डू इट इजिली. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज ज डैश इंडिया, दैट मीन्स आई डैश इंडियन. सो व्हाट यू विल से? आई एम इंडियन. सो यू विल राइट जस्ट वी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इल डैश आंधिया. नाउ अगेन इट कम्स ही डैश इंडियन. सो अगेन
He is Indian. So we'll write he is Indian. Okay. Next comes nu-Italian. That means we-Italian. So we are Italian. So it comes nu-som-Italian. Okay. Next is il-vo. That means they-handsome. So they are handsome. So we'll write S-O-N-T. So il so bo. Very easy. Now next tu-français. Now this is a question. You-français. So this is asked to the of your age because it starts with you. So it will be A. So tu es français, that means are you French? Okay. Now next is L dash on the yarn. That means she dash Indian. So she is Indian. So we'll write EST. So L A on the yarn. Okay. Now next is vous dash gross. That means you dash fat. Okay. So you will say you are fat. Okay. So I'll write music. ठीक है. नेक्स्ट कम्स एल डैश फ्रॉसे. एल डैश फ्रॉसे. सो दे आर फ्रेंच. सो आर डालना है. सो विल राइट हियर सो. ओके. सो आई होप द कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब एत्र वॉज वेरी क्लियर टू यू. If you have any doubt, you can ask me in the comments. Till then, bye bye and thanks for watching.